ये आप देख सकते हैं, ये कलाम पाक है, ये पुरानी शरीफ है, ये कलाम पाक है। मैं इस चीज के सर पे रखना पसंद ना करती हूँ कि मैंने कभी किसी घर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं अभी एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ देखिए। ये नायदा खातून एक लेडीज़ है, ये एक एनजीओ चलाती है गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों की मदद करती है। तो अक्सर आजकल एक माहौल है, जो अच्छाई करते हैं उनके पीछे बुराई करने वाले ज़्यादा होते हैं। अगर कोई, मेरी एक दरख्वास्त है, अगर कोई कोई मदरसा चला रहा है, कोई मकतब चला रहा है, कोई यतीम खाना चला रहा है, कोई लोगों की मदद कर रहा है, तो प्लीज़ यार उसकी मदद करो, उसकी हिम्मत बनो, उन लोगों को आगे बढ़ाओ। प्लीज़ अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकते, उन लोगों की मदद नहीं कर सकते, तो उनकी बुराई भी मत किया करो। जो मदद करते हैं उनको करने दो। आजकल ये सिस्टम है, जो अच्छाई करने जाता है उसके पीछे लोग बुराई करने लग जाते हैं। खुद तो मदद करते नहीं और मदद करने वालों को मदद करने देते नहीं, ये आज का माहौल है। तो प्लीज़ अच्छे काम करने वालों को अच्छा काम करने दीजिए। एक मरतबा ये वीडियो आप लोग देख लें। ये आप देख सकते हैं, ये कलाम पाक है, ये पुरानी शरीफ है, ये कलाम पाक है। मैं इस चीज के सर पे रखना पसंद ना करती हूँ कि मैंने कभी किसी गरीब का हक नहीं मारा है, मैं कोई गरीब के बारे में खयानत नहीं करी। मैं मेरा अल्लाह गवाह है, मैं कोई यतीम, गरीब, बेवा, यसीर, बीमार, मैं किसी के लिए, मैं किसी का भी हक नहीं, मैं किसी के भी हक में अमानत में खयानत ना करी, ना मैं उनका हक मार के खाई हूँ। मैंने हर किसी की अमानत उन तक पहुँचा। अल्लाह अल्लाह के रसूल को मैं गवाह रखकर एक बात करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये कलाम पाक है, ये कुरान शरीफ है, ये कलाम पाक है। मैं इस चीज के सर पे रखकर पसंद खाकर कहती हूँ कि मैंने कभी किसी गरीब का हक नहीं मारा है, मैं कोई गरीब की इबादत में खयानत नहीं करी। मैं अल्लाह गवाह है, मैं कोई यतीम, गरीब, बेवा, यसीर, बीमार, मैं किसी के लिए, मैं किसी का भी हक, मैं किसी के भी हक में अमानत में खैरत ना करी, ना मैं उनका हक मार के खाई हूँ। मैंने हर किसी की अमानत उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करी और मेरा अल्लाह जानता है मैंने कभी इन गरीबों का कोई पैसा एक रुपया नहीं खाया। आप देखिए यहाँ पर कोई लोग मौजूद है, ये मौल साहब है, जो मस्जिद नफीस निसा के मौल साहब ही है, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह लाखों का पैसा लगा के हमने मस्जिद की तामीर करवाई फर्स्ट फ्लोर की। और कई ऐसे मदरसे जहाँ पर मैं खिदमत और जिन तरह से राशन दे चुकी हूँ, कभी मैंने कोई यतीम बच्चों के मदरसों का, गरीब बच्चों के मदरसों का रुपया मैंने अमानत में खयानत नहीं करी, ना उनका हक मार के मैं खाई हूँ। ये आलिया के वालिद वालदा है, पिछले दो साल से मैं आलिया का इलाज करा चुकी हूँ। बहुत गलत काम करेगा, मतलब नहीं करना है। बेचारी बच्ची का दो महीने से बच्ची का इलाज नहीं हो रहा है, दो महीने से बच्ची की मदद रुक चुकी है, उनके वालिद बीमार है, महीनों से इनका राशन का, इनके बच्चियों के पढ़ाई का, इनके दवाइयों का, ये खर्चा मैं देती आई हूँ। लेकिन ये मैं नहीं, मेरे तरफ से अल्लाह का करम है, अल्लाह के चाहने वाले बंदे, अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं जो मुझे जरिया बनाकर इन लोगों की मदद करते हैं। मैं सिर्फ इनका जरिया हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने इनके लिए कोई मदद की है या मैंने आगे बढ़कर इनके लिए कुछ किया है, बस अल्लाह ताला ने कोई जरिया बनाया और वो जरिए के तौर पे मैंने काम किया। लेकिन जितने भी लोग खिदमत खलशीन को, मेरी माँ है, बहने हैं, कई मेरे भाई बहन है, मुसलमान भाई बहन है, कई मेरी माँ दाखिल औरतें हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मुझ पर भरोसा करके ऐसे लोगों के लिए मदद देते हैं, मैंने उनका कभी विश्वास नहीं तोड़ा, मैंने उनका कभी भरोसा नहीं तोड़ा। हर बार मैंने उनकी तरफ से जो भी मदद आई, मैं बराबर उन तक वो मदद पहुंचाती थी, बराबर उनको मैं वीडियोज बना के भेजती थी, मैं उनको उनकी आवाज से बात करवाती थी, उनके डायरेक्ट उनसे बात करवा के उनको मैं प्रूफ देती थी कि मैंने आपकी अमानत इन तक पहुंचा दी है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जालिम है, कुछ बदमाश इस तरीके के लोग हैं जो मेरे जरिए से ऐसे गरीब और बेवा, यतीमों की, बीमारों की मदद रोकने की कोशिश करें। मैं कभी किसी की अमानत में खयानत दे करी, ना ही मैं कभी किसी का एक रुपया खाई हूँ। और साथ में ये ललिता, ये आप देख सकते हैं, ये ललिता बहन है, ये बच्ची, ये यतीम है, इसके सर पे किसी का हाथ नहीं है, इसका माँ, इसकी बाप, इसका भाई सब मर गए। मैंने मजहब को नहीं देखा, ये हिंदू बहन है मेरी, लेकिन इसकी जब माँ का इंतकाल हुआ, उसकी माँ के जो भी
इंतजाम होते हैं मरने के बाद के जो तदफीन के हमारे पास जो तदफीन करवाते हैं, इनके पास जो इंतजाम होते हैं उसके हिसाब से वो पूरा इंतजाम मैं करवाई हूँ। इसकी माँ को मैंने डिस्चार्ज करवा के इसकी पूरी मदद की। उसके पास भी मैं हर महीना ललिता को राशन पहुँचाती हूँ, ललिता की हर मदद देती हूँ। इसमें जब उंगलियाँ उठती हैं तो ये मुनाफिकीन का हमेशा वतीरा रहा है, मुनाफिकीन का हमेशा तरीका रहा है। इस्लाम की इब्तिदा से लेकर आज तक इस्लाम को सबसे बड़ा धक्का मुनाफिकों से पहुंचा है, जो हमारी सफ के लोग रहते हैं। मैं गुजारिश करता हूं उन भाइयों से भी, क्योंकि वो भी अपनी सफ के भाई हैं, तो गुजारिश करता हूं बराए मेहरबानी अपनी जुबानों को काबू में रखें। सबसे पहले आप जिस मुकाम से अगर कोई चीज किसी पे तोहमत लगाते हो, तोहमत लगाने से पहले तहकीक जरूरी है, फिर उसके बाद तोहमत लगाई जाए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।